चलिए बढ़ते आगे। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज छत्तीसगढ़ के जगदलपुर और बस्तर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो लोकसभा कोर कमेटी की बैठक करेंगे और एक रैली को भी संबोधित करने वाले हैं। आपको ये भी बता दें कि जेपी नड्डा सुबह 11 बजे जगदलपुर के मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। अपनी यात्रा के दौरान वे कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे और संगठनिक बैठक करने वाले हैं। नड्डा ने आखिरी बार सितंबर 2022 में राज्य का दौरा किया था। जेपी नड्डा अपने दौरे की शुरुआत जगदलपुर स्थित मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करके करेंगे। वहीं मंदिर में दर्शन करने के बाद डिमरापाल में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा बन रहे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का दौरा भी किया जाएगा। इसके बाद दोपहर 12 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय जगदलपुर जाएंगे, जहां वो पार्टी की लोकसभा कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। दोपहर 2 बजे जगदलपुर के लालबाग मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रदीप नामदेव जुड़ गया। प्रदीप, जैसे कि जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे, क्या कुछ उनका डे प्लान रहने वाला है, जरा विस्तार से बताएं। जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज छत्तीसगढ़ दौरा है। सुबह 9 बजे दिल्ली से विशेष विमान से जगदलपुर रवाना होंगे और सुबह 11 बजे जगदलपुर पहुंचेंगे। सर्वप्रथम माँ दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे। देखिए, जो भी आता है वहाँ जगदलपुर में, वो सबसे पहले माँ दंतेश्वरी के दर्शन करता है। तो फिर उसके बाद जेपी नड्डा बैठक लेंगे और फिर उसके बाद भाजपा कार्यालय जगदलपुर में लोकसभा कोर कमेटी की बैठक लेंगे। बैठक के बाद नड्डा लालबाग मैदान में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ के बस्तर से करेंगे चुनावी शंखनाद। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में बहुत ही नजदीक चुनाव है और जहाँ जहाँ बीजेपी हारी है, मतलब जहाँ जहाँ वो बीजेपी को वोट नहीं मिला है, वहाँ वहाँ बीजेपी फोकस कर रही है। देखिए, भाजपा का पूरा फोकस छत्तीसगढ़ पर है, क्योंकि 2018 के चुनाव में भाजपा छत्तीसगढ़ में 15 सीटों पर सिमट गई थी, वहीं जी कांग्रेस 75 सीटें आई थी। तो देखिए, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में बड़े राष्ट्रीय नेताओं का दौरा लगातार जारी है। तो देखिए, कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि भाजपा का पूरा फोकस छत्तीसगढ़ पर रहेगा इस बार। जी प्रदीप, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि छत्तीसगढ़ आ रहे हैं जेपी नड्डा, एक बड़ा चेहरा भी है बीजेपी का, तो कितना असर आगामी चुनावों पर पड़ सकता है इस बार? जी बिल्कुल, देखिए वो आएंगे, कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे, जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो देखिए, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है। और देखिए, छत्तीसगढ़ में चुनाव है तो भाजपा भी एक्शन मोड में है। लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लगातार दौरे किए जा रहे हैं। तो देखिए, दोनों पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक देंगी और भाजपा का पूरा फोकस इस बार छत्तीसगढ़ पे रहेगा। इसके पहले गृह मंत्री अमित शाह भी कोरबा आए थे, कोरबा भी लोकसभा सीट है, वहां पर उन्होंने भी जनसभा को संबोधित किया था, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की थी। तो देखिए, लगातार राष्ट्रीय नेताओं का छत्तीसगढ़ में दौरा जारी है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप नामदेव इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारे संवाददाता ने भी जानकारी दी, आपको बता दें कि इस बार बीजेपी का जो पूरा फोकस है वो छत्तीसगढ़ पे है और जगह जगह कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और बड़ा चेहरा है, ऐसा कह सकते हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं, तो कई कार्यक्रमों में जेपी नड्डा जो है वो शिरकत करेंगे। चलिए बढ़ते आगे।